हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार, आप तमाम व्यूअर्स का इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स पर जो अधिकांशतः दैनिक क्रियाकलापों में और खासकर कार्यालयों में बोला जाता है, लेकिन उसका इंग्लिश का जो उच्चारण होता है वह गलत करते हैं। चूंकि इसका जो बनावट होता है वर्ड्स का और वर्ड्स में जो कॉम्बिनेशन होता है लेटर्स का, वह बड़ा ही टेढ़ा किस्म का होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 11 वर्ड्स पर जो देखने में डिफ़िकल्ट, सुनने में भी डिफ़िकल्ट और समझने में भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसे मैं सरलतापूर्वक बताऊंगा और गारंटी लेता हूं कि मैं इसे समझाऊंगा। यहां पर देखिए इस 11 वर्ड्स को, मैं यह वीडियो 21 जोड़ियों के साथ वाई के बाद बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यह शब्द जो है, हो सकता है आप पहली बार मिले हैं, यह इससे पूर्व आप इस तमाम शब्दों से परिचित नहीं थे। हो सकता है इनमें से एक दो वर्ड्स से आप परिचित होंगे। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग इस लेसन को शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहला वर्ड है मेरा शोफर। शोफर, इसे आप चौफियर नहीं पढ़िएगा, शोफियर भी नहीं पढ़िएगा, इसे पढ़ेंगे हम शोफर। शोफर, अब देखिए इसमें कुछ जो विशेष पॉइंट्स है उसे भी मैं बताता हूँ। ये सभी नाउन्स सिंगुलर है ग्रैंडर को छोड़कर, ये सभी तो आपको सिंगुलर नाउन है और इसका आप प्लुरल बना सकते हैं एस जोड़ करके। एस इसमें भी लगेगा लेकिन ग्रैंडर में एस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यह एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी तरह इसमें भी एस, इसमें भी एस और इसमें भी एस लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक खास बात है कि ये जितना भी वर्ड्स है उसमें 10 फ्रेंच ओरिजिन वर्ड्स है, अर्थात यह फ्रेंच वर्ड से एडॉप्ट किया गया है, लिया गया है। और एक वर्ड, ये जो आप देख रहे हैं ग्रैंडर, ये लैटिन ओरिजिन वर्ड है। खैर चलिए, ये तो आपके लिए जानकारी था। अब प्रत्येक शब्द पर हम वन बाय वन चलते हैं और देखते हैं एक्चुअली इस वर्ड्स का क्या यूसेज है और ये कैसे प्रोनाउंस किया जाता है और ये इसे कैसे लिखा भी जाता है। तो देखिए इसे पढ़ते हैं हम शोफर। शोफर, शोफर, शोफर मीन्स होता है निजी कार चालक, जिसे हम कह सकते हैं अ प्राइवेट और हायर्ड मोटर कार ड्राइवर। अ प्राइवेट और हायर्ड मोटर कार ड्राइवर। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द का प्रयोग किए हैं, पहला प्राइवेट और दूसरा हायर्ड।
यानी अगर कोई चालक किसी के यहाँ रहकर ड्राइवरी का काम करता है तो उसे भी शोफर कहेंगे, और अगर कोई ड्राइवर किसी के गाड़ी भाड़ा पर लेकर के और ड्राइविंग का काम करता है तो उसे भी हम शोफर कहेंगे। शोफर, ये कंप्लीट। अब इसे क्या पढ़ते हैं, क्वाइफियर? नहीं, इसे पढ़ते हैं क्वाफर। क्वाफर, क्वाफर, क्वाफर। और क्वाफर क्या होता है, तो हेयर ब्रशर होता है। अर्थात जो बालों को सजाते हैं, शमारते हैं, उसे हम क्वाफर बोलते हैं। क्वाफर अर्थात इसका जो विशुद्ध शाब्दिक अर्थ जो है वह है केश प्रसाधक। केश प्रसाधक, केश प्रसाधक। अब तीसरा वर्ड पे आइए, अमेचर। अमेचर, अमेचर, अमेचर मीन्स होता है नौशिखिया। नौशिखिया या शौकीन व्यक्ति। जैसे मुझे ही लीजिए, मुझे शौक है वॉलीबॉल खेलने का, लेकिन मैं उसमें निपुण नहीं हूँ, मैं उसमें दक्ष नहीं हूँ, मुझ में डेक्सटरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शौक रखता हूँ वॉलीबॉल खेलने का। और अगर वॉलीबॉल का चर्चा करें तो एक प्रशिक्षक जिसका नाम मैं बड़ा ही उत्कृष्टता से लेना चाहूँगा, जो कि मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, जिसे हम बुज फ्रेंड कह सकते हैं, उनका नाम है अमलेंद्र कुमार। और उनका बिहार दैनिक .com चैनल करके अपना चैनल भी है, जिनमें वो शिक्षक से जुड़ी हुई हरेक पहलुओं पर वीडियो अपलोड करते हैं। अगर शिक्षक संबंधी आपको सबसे पहले न्यूज़ चाहिए तो वहाँ आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं और देख सकते हैं। वो ज़्यादातर हमें प्रशिक्षित करने का काम करते हैं, भले ही हम थोड़ा सा अयोग्य फील करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ जाने के बाद उनकी निगरानी में ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा ठीक ही हो जाएगा। तो वो हुआ नौशिखिया। नौशिखिया मतलब शौकीन व्यक्ति, किस चीज़ के प्रति लगाव होता है ज़्यादा। हम इसको कह सकते हैं ए लवर ऑफ समथिंग, ए लवर ऑफ समथिंग। यहाँ पर एस टू द पावर टी एच दिए हैं, अर्थात समथिंग का शॉर्ट फॉर्म। ए लवर ऑफ समथिंग अर्थात किसी भी चीज़ का वह लवर होता है, प्रेमी होता है। उसमें प्रवीणता नहीं होती है, उसमें अप्रवीणता होती है, लेकिन फिर भी वह शौक रखता है। अब यहाँ पर देखिए, लिटरेटर, इसे पढ़ेंगे लिटरेटर। लिटरेटर यहाँ लिख देते हैं लिटरेटर। लिटरेचर मीन्स होता है साहित्यकार। साहित्यकार, साहित्यकार, यानी ए पर्सन हु इज डिस्टिंग्विश्ड इन लिटरेचर। लिटरेचर पोर्शन, लिटरेरी वर्क्स, उसे हम लोग कहते हैं लिटरेटर। अर्थात हम संक्षिप्त रूप से कह सकते हैं ए राइटर ऑफ लिटरेरी वर्क्स, ए राइटर ऑफ लिटरेरी वर्क्स। अब इस वर्ड पर आइए, इसे क्या पढ़ते हैं, ये बहुत ही डिफिकल्ट है वर्ड, कोनोइसियर। नहीं, इसे पढ़ेंगे कॉनेशर। कॉनेशर, कॉनेशर, कॉनेशर। कॉनेशर मीन्स होता है वैसा व्यक्ति जिसे फाइन आर्ट्स में दिलचस्पी हो, या फूड के जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो अच्छी तरीका से जानता है, उसे ही हम
कनेशर कहते हैं। कनेशर अर्थात ए मैन हु इज स्किल्ड इन, ए मैन स्किल्ड इन, स्किल्ड इन फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स और टेस्ट। किसी भी वस्तु का टेस्ट ये अच्छा है, ये थोड़ा सा ख़राब है, इसमें नमक और पड़ना चाहिए, रसगुल्ला में थोड़ा रस और होना चाहिए, यह थोड़ा मिठास और होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये पसंदीदा होता है, इसे क्रिटिसाइज़ करने में आनंद आता है, वो जान पाता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, टेस्ट या आर्ट्स। अब नेक्स्ट वर्ड पर मिलते हैं, देखते हैं इसे क्या पढ़ते हैं, ज़्यादा प्रचलित वर्ड है, इसे पढ़ते हैं एंटरप्रेनर, 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 एंटरप्रेनर मीन्स होता है एक बिजनेस का ऑर्गेनाइजर, एक बिजनेस का ऑर्गेनाइजर, यानी एन ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर ऑफ अ बिजनेस, एक बहुत सारे फैक्ट्रियों का, बहुत सारे जो व्यवसायी है, उद्यमी है, वो एंटरप्रेनर कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ड फार्शर, फार्शर, फार्श, फार्शर, फार्शर, ठीक है, फार्शर, फार्शर मीन्स होता है हसौर किस्म के लोग, मजाकिया किस्म के लोग, जो हंसी लगाते हैं या मजाक करने में उत्कृष्टता हासिल होती है, उसे हम लोग कहते हैं फार्शर। मतलब हम कह सकते हैं जोकर, ए जोकर या ए ह्यूमरिस्ट, या कह सकते हैं अ वैग, वैग, वैग मीन्स भी होता है फार्शर। अब इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ग्रैंडर, ग्रैंडर ए लैटिन ओरिजिन वर्ड है, ग्रैंडर, ग्रैंडर, डर, इसे ग्रैंडर ऐसे पढ़ सकते हैं, ग्रैंडर। तो ग्रैंडर मीन्स होता है भव्यता, शान, महिमा, उत्कृष्टता। जैसे अनेक समानार्थी शब्द, तो ग्रैंडर मीन्स होता है, जैसे हम कह सकते हैं ब्रिलियंस, 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 मैग्निफिसेंस और नोबिलिटी, नोबिलिटी। अब नेक्स्ट चलते हैं, इस वर्ड को देखते हैं, इसे पढ़ते हैं शब्चर, शब्चर, डायरेक्ट इसे लिख देते हैं शब्चर, शब्चर या शब्चर भी कहते हैं इसे, शब्चर, शब्चर मीन्स होता है वैसा व्यक्ति जो तोड़ फोड़, जुलूस में जो तोड़ फोड़ करते हैं या अन्य जगहों पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे हम लोग जो है वह शब्चर बोलते हैं, या अर्थात इसे हम कर सकते हैं डिस्ट्रॉयर होता है, ये डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयर होता है किसका, तो पब्लिक प्रॉपर्टी का, ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट वर्ड है रेस्टोरेटर, रेस्टोरेटर, आप पढ़िएगा इसको रेस्टोरेटर, रेस्टोरेटर, रेस्टोरेटर जो है होता है जो ओनर होता है, जो या मैनेजर होता है या सुपरवाइजर होता है बड़े बड़े रेस्टोरेंट का या होटल्स का, तो उसको हम लोग कहते हैं रेस्टोरेटर, रेस्टोरेटर अर्थात ओनर, ये ओनर होते हैं, ओनर ऑफ अ रेस्टोरेंट। अब यहाँ पर लास्ट वर्ड है, इसे क्या पढ़ेंगे आप, बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन मैं सरल इसे बना रहा हूँ, इसे पढ़ते हैं रेपोर्टर, रेपोर्टर, रेपोर्टर कह सकते हैं, रेपोर्टर, रेपोर्टर, रेपोर्टर मीन्स होता है
जो मीटिंग्स में जो लिखने का कार्य होता है, रिकॉर्ड करने का जो कार्य होता है, उसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त होता है जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिवेदक कहते हैं। प्रतिवेदक, प्रतिवेदक अर्थात ये जो है रिपोर्टर होता है मीटिंग्स का, अर्थात रिपोर्टर ऑफ मीटिंग्स, रिपोर्टर ऑफ मीटिंग्स। तो ये रहा आपका 11 इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव वर्ड्स। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के अंतर्गत जो 11 वर्ड्स है उसे भी आप पसंद किए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर अगले वीडियो में आऊँगा और कॉन्सोनेंट से संबंधित अलग अलग लेटर्स को देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings and precious stones that I-